हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है आपको थंबनेल देके पता चल ही गया होगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम जो कलर करने वाले हैं वो कलर करने वाले हैं वाइन बरगंडी कलर। जैसा कि आप देख रहे होगे गाइस, वाइन और बरगंडी, वाइन में रेड स्टोन होती है और बरगंडी में आपको वॉयलेट की टिंट मिक्स करने पड़ती है। तो गाइस, ये कलर हमें कोई मिक्स करके नहीं बनाना है, आज हम यूटी का ये कलर करने वाले हैं। और गाइस, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके स्टेट में या आपके जगह ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो गाइस, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जो 6.26 कर रहे हैं आप ये सेट लोरियल में भी यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने यूटिका का ब्रांड दिखाया है तो आपको यूटिका का ही चाहिए तो उसी से ये सेट आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 0.2 इनका वॉयलेट है तो लोरियल का भी 0.2 वॉयलेट इरिडिसेंट ही है, और 0.6 इसका रेड है तो लोरियल में भी रेड है और स्ट्रिक्स में भी रेड है, और मैट्रिक्स का भी सेड 0.6 रेड है। सियोस्को वेला की थोड़ी फैमिली चेंज हो जाती है, जब पॉइंट की बात है ये सारे सेम सेड में अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कलर अवेलेबल नहीं हुआ, तो काफ़ी लोग कमेंट करते मुझे कि ये वाला कलर मेरे को अवेलेबल नहीं है। तो आप पॉइंट के ऊपर चलो गाइस, आप एक प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हो, ये एक ब्रांड के नीच के काम नहीं कर रहे कि लोरियल का, तो आपको सारे लोरियल सीरीज चलानी है। आप एक प्रोफेशनल हो, आपने कलर की जो थ्योरी पूरी अच्छे से लर्न कर रखी है, तो आपको पॉइंट से ही वर्क करना होता है। तो आपको ये नहीं है कि आपको 6.6 यूटी का कही चाहिए। तो गाइस, इसकी सेट में आपको दिखाने वाला हूँ वाइन बरगंडी की सेट किस तरीके से आपको हेयर पे करनी होती। तो गाइस, आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इस कलर की सेट किस तरीके की होगी। तो गाइस, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है हमारे कटेड हेयर जिस पर हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और आप देख सकते हो जो इनका जो नेचुरल हेयर का लेवल है वो 5 के अप्रोक्स हैगा, और काफ़ी ज़्यादा मतलब डार्क की साइड ये कलर नहीं है तो इस पर ईज़िली कलर आ जाता है। अगर आप 4 नंबर के वालों पे भी कर रहे हो तो कलर ईज़िली आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको 5 का ही लेवल का कलर चाहिए। तो इसका जो मिक्सिंग रेशियो है 1:1 है, और 6.26 जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया इसकी शेड का नंबर है, ठीक है गाइस। और इसमें 0.2 की मात्रा ज़्यादा है क्योंकि वो हमारी मेजर टोन है, और 0.6 थोड़ा कम है वो क्योंकि माइनर टोन है। अगर आपको मेजर माइनर टोन का नहीं पता तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वीडियो देख सकते हो। इसकी MRP की बात करें 275 के समथिंग कुछ आती है इसकी ट्यूब, और आफ्टर डिस्काउंट में थोड़ी कम पड़ती है। और इसको हम ओपन कर लेंगे और अंदर से भी मैं दिखा देता हूँ किस तरीके की ये शेड निकलती है। ये देखिए, जैसा कि इसमें 6.26 लिखा है, यानी कि 0.2 जो हमारा इरिडिसेंट है यानी कि वॉयलेट, और 6 के पॉइंट वो है हमारा रेड। तो गाइस, इसमें एकदम ट्यूब एकदम वाइट निकलती है, और इसमें मतलब अभी हमें बिल्कुल भी रेड देखने को नहीं मिल रहा, ना ही इसमें हमें वॉयलेट का टिंट देखने को मिल रहा है जैसा कि और लोरियल की शेडों में आता है कि थोड़ा सा उसमें रेडिश टोन या फिर वॉयलेट देखने को मिल जाता है। अगर किसी में रेड डला हो, उसमें रेड कलर का पिगमेंट डला हो, वो अंदर से रेड ना निकले तो थोड़ा सी डाउट रहता है। तो मेरे को भी लगा था क्योंकि ये मैंने ज़्यादा यूज़ कंपनी यूज़ करी नहीं है, इसलिए मैं इसकी एक दो वीडियो और बना चुका हूँ, तो इसके सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो डेवलपर यूज़ कर रहा हूँ वो मैं 40 वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम हाई लिफ्टिंग ज़्यादा ले रहे हैं, तो लिफ्टिंग ज़्यादा चाहिए हमें, और डायरेक्ट ले रहे हैं विदाउट प्री लाइटनिंग ले रहे हैं, तो हमें वॉल्यूम हमेशा 40 ही रखना है अकॉर्डिंग टू हेयर टेक्सचर। अगर बाल थोड़ा पतला है तो आप 30 वॉल्यूम ले सकते हो। देखिए गाइस, जैसे जैसे इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ तो इसके जो पिगमेंट है वो एक्टिवेट होते जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। पहले ये बिल्कुल ही वाइट कलर का था, एकदम नॉर्मल ट्यूब डेवलपर मैंने इसमें डाला तो थोड़ा ये एक्टिवेट हो चुका है। और अगर हेयर ज़्यादा मतलब डार्क है, 3 नंबर या 1 नंबर 2 नंबर, तो मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा आपको लिटिल भी प्री लाइटनिंग करनी पड़ेगी। अगर 3 नंबर पे भी करते हो तो मतलब वाइब्रेंसी आएगी, लेकिन एक लेवल कम वाइब्रेंसी आएगी, ठीक है गाइस। अगर क्लाइंट को चलता है तो उनको सेफ गेम खेलनी है तो आप बोल सकते हो आप विदाउट प्री लाइटनिंग ले सकते हो, और वाइब्रेंसी जो है एक लेवल की जो डेप्थ है वो कम आएगी। 4 नंबर के वालों पर करोगे ईजिली सेम लिफ्टिंग मिलेगी, 5 नंबर के वालों पे करोगे तो ईजिली लिफ्टिंग मिलेगी। 5 नंबर के वालों पे तो मैं कर ही रहा हूँ, अगर आपको डाउट होगा कि 4 पे करूँगा सेम शेड नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है।
और एप्लीकेशन हम अच्छे से कर लेंगे। और गाइस आप, मैं बताता हूँ इस शेड को किस जगह यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप मान लीजिए किसी क्लाइंट का ग्लोबल कर रहे हो, ठीक है गाइस, उनको ग्लोबल चाहिए, उनको रेडिश टोन में जाना है और थोड़ा वाइन टोन में जाना है, लेकिन रेडिश कितने क्लाइंट होते हैं कि हमें रेडिश टोन तो चाहिए लेकिन पूरा रेड कलर नहीं चाहिए, ठीक है, बरगेंडी तो चाहिए लेकिन प्रॉपर बरगेंडी कलर नहीं चाहिए, तो ये वाइन बरगेंडी कलर है। और अगर आपको बरगेंडी कलर की वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उस वाले कलर को देख के इस वाले कलर को कंपैरिजन कर सकते हो। तो बरगेंडी कैसा होता है, ये वाइन बरगेंडी कलर है। और गाइस आपको मतलब कोई सी और कलर के टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई हेयर से रिलेटेड मतलब कोई प्रॉब्लम होती है, केमिकल या स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग किसी से भी रिलेटेड, नैनोप्लास्टी या कैराप्लास्टो बहुत सारे ट्रीटमेंट आ रखे हैं, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा ताकि इसमें आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। क्योंकि काफ़ी लोग मुझे इनबॉक्स में कमेंट करते हैं लेकिन मेरे को टाइम कम होने के कारण, थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं वीडियो थोड़ा कम बना पाता हूँ। गाइस आफ्टर 45 मिनट्स बाद हमने फॉइल खोल लेनी है, और आफ्टर 45 मिनट्स बाद आप देख रहे होंगे कि कलर जैसा कि हमने देखा 6.26, तो रेड कलर पूरा 0.6 मतलब एक्टिवेट हो चुका है। आप देखिए जैसे कि टाइमिंग पे मतलब कलर जितना एक्टिवेट हो रहा है ना, उतना ज़्यादा इसकी शेड जो है वाइब्रेंट होती हुई दिख रही है। तो देखिए गाइस पूरा प्रॉपर कलर आ चुका है, और मैं इसको आपको वॉश करने के बाद और ड्राई करने के बाद दिखाता हूँ। तो गाइस इसको मैं वॉश करके आता हूँ फिर आपको मैं दिखाता हूँ। ऐसे तो मेरे को पता ज़्यादा चल नहीं रहा क्योंकि रेडिश ज़्यादा टोन आ रही है। और अब देखिए गाइस वॉश करके मैं आ चुका हूँ और ड्रायर कर रहा हूँ, और अच्छे से मैं ड्रायर कर लेता हूँ। जैसे जैसे ड्रायर हो रहा है वैसे वैसे जो मतलब इस कलर की टोन है, रिफ्लेक्शन है, वो ज़्यादा वाइब्रेंसी में आ रही है। तो गाइस इसको अच्छे से सुखा लेता हूँ, और फाइनल रिजल्ट गाइस आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। काफ़ी लोग मतलब वीडियो देख लेते हैं, कमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हो गाइस, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि थोड़ी जो कमेंट आती है उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिलता है। तो गाइस ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, वाकई मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर, वाइन बरगेंडी कलर। तो गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने शेड भी देखी होगी, काफ़ी अच्छी शेड जो है वो अच्छी आई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये शेड आप हीना कोटेड हेयर पर भी इजीली कर सकते हो, इजीली उनके बालों में आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि हीना कोटेड वाले हेयर पे मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि रेडिश टोन ज़्यादा होती है, तो इसमें भी रेडिश टोन है, तो आप इसको ईजिली हीना कोटेड हेयर पर भी ईजिली कर सकते हो, वो भी डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आप प्री लाइटनिंग करके करोगे तो आपको वाइब्रेंसी ज़्यादा मिलेगी। ओ गाइस आई होप गाइस आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगली वीडियो गाइस आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके मुझे जरूर बताना, वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करना। तो गाइस मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ओके टेक केयर, बाय बाय।